क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके सीट्स इस क्रम में दे रखे हैं। सम चतुर्भुज दे रखा है। सो बहुत ही क्वेश्चन शानदार है। सो देखो, सम चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे एक चतुर्भुज है। इस क्वेश्चन को करने के 3 से 4 तरीके हैं। सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं की जो ये दूरियां होती हैं ना, वो बराबर होती हैं, ठीक है। बस इनका जो कोण होता है वो 90 अंश का नहीं होता है, ठीक है, वो कुछ अलग अलग होते हैं। सो जो हमें बिंदु दे रखे हैं, सबसे पहले ये ए जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्रमानुसार, 3.4, 4.5 इसे बी बोल देते हैं, ठीक है, और सी हम मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है -1.4, और डी हमें दे रखा है -2.1। कई तरीके का मतलब है, आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र है वो भी लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। त्रिभुज बना के दो दो अलग अलग, इसका निकालो फिर जोड़ दो, ये भी कर सकते हो। तो और एक है विकर्ण। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो विकर्ण है, ये मेरे विकर्ण है, एक ए सी और एक बी डी, दोनों विकर्ण निकालो और फिर उनको गुणा करके 2 से भाग दे दो, ठीक है। चूंकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, ये सूत्र होता है। सो पहले विकर्ण निकालो, एक विकर्ण है ए सी, एसी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 कितना है 3, x2 कितना है -1, तो जब माइनस होता है तो उसे प्लस लिख देते हैं। y1 है 4, ठीक है, और y2 में कितना है 4, 4 - 4, तो 4 में से 4 गया 0, तो 4 का 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग 0, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो विकर्ण पहला 4 मिल गया। अब क्या निकालना है दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण मेरा क्या है, BD, ये बी ये डी, x1 4, x2 कितना है -2, तो ये +2 हो जाएगा, y1 है 5 और y2 है -1, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 36 36 कितना हो गया 72, 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 × 2, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 2 का जोड़ा बना ही नहीं तो वो अंदर, ठीक है। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समझे तो क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 1/2, विकर्ण मेरा क्या था ए सी गुण बी डी, ठीक है, 1/2, ए सी कितना आया था मेरा 4 और बी डी कितना है 6 √2, 2 × 4 6 × 12 √2 क्षेत्रफल है। तो जो भी आपका मात्रक होगा ना, उसके हाथ में क्या लगा दोगे 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, सिद्ध की सॉरी 23 सिद्ध कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। यानी कि ये प्रमेय 10.2 को बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि किसी वृत्त, एक बाह्य बिंदु ले लोगे और उस वृत्त पर एक जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। अब इस बिंदु को ए बोल दो, इस बिंदु को बी, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी ए किसके बराबर, पी बी, कि ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हमें रचना करनी पड़ेगी इसको सिद्ध करने के लिए। रचना क्या करनी पड़ेगी, केंद्र ओ है, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, ए ओ
बी ओ ओ पी को मिलाने पर। ठीक है, एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना, इसको इसको बराबर दिखाना है, यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगक्षम दिखाना होगा और CPCT लगाकर उनको बराबर बताना होगा। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, संगत कोण भी, है ना। त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में सबसे पहले तो देखो, चूंकि कोण ए और कोण बी दोनों 90 अंश के होंगे, होंगे 90 अंश के, क्यों, प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या को जब मिलाते हैं उनके बीच का कोण कितना बनता है, 90, प्रमेय 10.1। ठीक है, तब दोनों त्रिभुजों में आ जाऊं, देखो ए ओ बराबर किसके, ओ बी के, क्यों, क्योंकि दोनों ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। फिर कोण ए बराबर क्या है, कोण बी, क्योंकि दोनों ही 90 अंश के हैं, और साथ ही साथ इस त्रिभुज में भी ओपी है और इस त्रिभुज में भी ओपी है, दोनों ही त्रिभुजों में ओपी ओपी उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा, अतः अतः एस ई एस से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी के, अतः CPCT द्वारा जब दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो उनकी संगत भुजा भी आपस में बराबर होगी, अर्थात EP बराबर BP हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, इति सिद्धम लिख देंगे आप, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये भी हो गया। अब आ जाओ 24 में, कह रहे आकृति ओ ए सी बी, ओ ए सी बी ओ डी 2 सेंटीमीटर तो छायांकित, ये जो काला काला दिख रहा है ना, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से जब त्रिभुज घटा दोगे तो ये काला काला बच जाएगा। ठीक, ये ए सी बी ओ डी ये वाला हिस्सा हमें निकालना है, और क्वेश्चन में ओ डी कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है दिया है, त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और कोण चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है, तो कोण छुपा हुआ है, 90 है, तो कोण वाले का भी यूज करो जो करो। देखो, छायांकित भाग कैसे निकालना है, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा है ये, उसमें से क्या घटा देना है, त्रिभुज घटा देना है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में कितना है, 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र तभी लगता है जब आपकी ऊंचाई लंबवत हो, यानी कि सीधी 90 अंश का कोण जब बन रहा हो। ठीक है, पाई का मान 22/7, बट्टे में ऑलरेडी 4 हैं, आर का मान कितना है, देखो 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3.5 का मतलब क्या होता है, 7/2, बट्टे में 2, आर स्क्वायर है 7/2। ठीक है, तो कट कट काटा पीटी आसान हो जाए, इसीलिए मैंने ऐसे किया, 7 से 7 कटा 11। ठीक है, 1/2 आधार कितना है, 7/2, 3.5 को 7/2 ले सकते हैं, ऊंचाई कितनी है मेरी, 2 से 2 घटा, सो यहाँ से ऊपर 11 7 77, 4 2 8, और यहाँ से आ गया 7/2, तो लॉस ऑफ क्या जाएगा, 8, 2 चक्के 8,
चार सत्ते 28, घटाओ 7 में से 8 गया 9, 6 में से 2 गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रिलेट एग्जाम्पल से रिलेट करता है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में फिर से आ सकता है। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये पहले ही पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बात ये होती है कि क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या करूँ, कि आपको छायांकित भाग का निकालना है। देखो छायांकित भाग तभी निकलेगा जब पूरे में से इस सफ़ेद सफ़ेद को क्या कर दो, घटा दो, तभी काला काला बचेगा। ठीक है ना, तभी काला काला बचेगा। तो ये सफ़ेद सफ़ेद जो है उसका पहले क्षेत्रफल निकालो, वो आसान है। देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे निकल सकता है सफ़ेद। इधर से देखो एक अर्धवृत्त है, ठीक है, इधर से एक अर्धवृत्त है। जब वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला अर्धवृत्त घटा दोगे और ये वाला अर्धवृत्त घटा दोगे तो ये सफ़ेद और ये सफ़ेद बच जाएगा, ये आ गया। जो ये होगा वही ये होगा, उसको दो से गुणा कर दो, है ना। तो ऐसे लिख दो, देखो ये भुजा दे रखी है मेरे को, ये व्यास हुआ दिया है, वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी आर, उसकी आधी 10 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा वो कितनी देर की है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल मैंने आपके बताया था, अभी दो से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये निकलेगा, आपको तो इधर इधर भी चाहिए तो दुगुना करना होगा। कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, दो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा, सूत्र भी लिख देता हूँ, भुजा गुणे भुजा, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे दो, दो से दो कटा, भुजा कितनी है 20, 20 गुणा 20 पाई, पाई का मान किस रखने के लिए बोला है 3.14, और त्रिज्या कितनी है मेरे पास 10, 10 गुणा 10 400, 100, 100 को गुणा करके 3.14 से 314 आ जाएगा। घटाओ इसमें से तो कितना आ जाएगा, 400 में से 314 घटाओगे तो 86 आ जाएगा, गुणा करो 2×6=12, हासिल लगा 1, 2×8=16 और 1×17 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल है, आपको सफ़ेद हिस्सा नहीं निकालना है, आपको छायांकित भाग निकालनी है। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस सफ़ेद हिस्से का क्षेत्रफल। मैं आपको आम भाषा में लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसा आप पढ़ते हो वैसा आप समझते हो, उसी हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 400 भुजा गुणे भुजा, है ना, और सफ़ेद हिस्से का क्या आया था 186, सफ़ेद हिस्से का कितना आया था 172 आया था, कटा दो तो ये कितना आ जाएगा 228 आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो वीडियो के ऊपर दोबारा देख लेना, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जैसे 25वां नंबर है ना, कह रहे 7.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये तो भी हम करेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 26वां, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए इनको अलग 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 करा दिया है ताकि वो आपको ज़्यादा अटेंशन दे पाओ क्वेश्चन में। ठीक है, आप वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक किया करो ऐसे स्क्रॉल करके, हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी देखा करो, क्या पता मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूँ। 25वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 60.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो ये तो 11.1 का पहला क्वेश्चन की तरह है ना। इस मान लिया इस ए बी, क्योंकि मेरे पटरी पर का पेंसिल तो है नहीं, ये 7.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचोगे ए बी। 5:8 में करना है, तो 5 और 8 को जोड़ो तो कितना आगे 13। आपको ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है, और ये सारा काम आपको किससे करना है, पेंसिल प्रकार और स्केल से, है ना। और ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो 11.1 का पहला क्वेश्चन करना, और वो सब मैंने पढ़ा रखा है। 13 हिस्सों में बांट दोगे, यहाँ पर 5वां आएगा, यहाँ गिनते गिनते यहाँ आ जाएगा 13वां हिस्सा। फिर जैसे 13वां हिस्सा आएगा, इसको यहाँ से मीट कर दोगे, मिला दोगे, है ना। तो अब क्या करना होता है, एक चाप खींचना होता है, इस हिस्से से बड़ा एक चाप लोगे, यहाँ पे कटेगा, वही चाप यहाँ पर रख के यहाँ से एक चाप कटेगा। फिर इनके बीच की दूरी मापोगे, वो दूरी का माप फिर यहाँ रख के एक चाप काटोगे, यहाँ से कटेगा, और फिर इसको मिलाते हुए रेखा खींच दोगे, इस बिंदु को मिलाते हुए। ये रेखा और ये रेखा देखना आपस में समांतर लगेगा, अगर समांतर बनाए तो सही है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो आपका गलत है। तो ये जो हिस्सा है 5 और ये जो हिस्सा है 8 में विभक्त हो जाएगा, इस बिंदु का नाम सी दे देना। अगर मापने के लिए बोला है तो ए सी को भी माप लेना और सी बी को माप लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा, और जो जो काम किया है वो आपकी रचना हो जाएगी।